लोग बात करने वाले हैं यार कि नीट 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन जो है तंग कर रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितना हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। देखो यार, यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स हम लोग के पास हैं जिनके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो बढ़ने वाली है या घटने वाली है, क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले जो बात है, दैट इज जो एम्स हम लोग के पास है वो कंबाइन हो गया था, क्लब हो गया था आपके बाद नीट के साथ, तो उसकी वजह से कुछ फर्क जो है वो कट ऑफ के ऊपर आने वाला है, राइट। दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, अप्रॉक्सिमेटली जितने पिछले साल थे उतने ही थे। सो उसमें भी आप लोग ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसकी वजह से कट ऑफ पे ज्यादा असर पड़ेगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। थर्ड इज टाइम। ये काफी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ पे जो है फर्क पड़ने वाला है एंड पड़ भी रहा है। टाइम बच्चों को काफी मिल गया था। देखो यार, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स थे, जिनकी तैयारी पहले थोड़ी सी ज्यादा अच्छी थी, पहले अच्छा स्कोर कर रहे थे, उन्होंने कम स्कोर करना स्टार्ट कर दिया। एंड काफी जो फ्रेशर बच्चे थे जो पहली बार तैयारी कर रहे थे, टाइम ज्यादा मिलने की वजह से उनकी तैयारी जो है वो काफी ज्यादा बेटर हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये फैक्टर मान के चलना जो फ्रेशर बच्चा होता है उसको थोड़ा सा डर कंपैरेटिवली ड्रॉपर के कम होता है, ठीक है। उसके पास रिस्क लेने के लिए ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। दूसरी बात, वो उन्हीं किताबों को पहली बार पढ़ रहा होता है तो ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ रहा होता है। एक और फैक्टर है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल गया था, तो जो फ्रेशर बच्चा होगा उसने सोचा होगा यार फटाफट कर देता हूं, इसी साल मुझे सीट मिल जाएगी, तो उनका जो जोश था वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। बिकॉज काफी बच्चे जो है उन्होंने पहले बेकार स्कोर कर रहे थे लेकिन इस टाइम में पढ़ के उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। नेक्स्ट फैक्टर, सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गई हैं। ज्यादा, बहुत ज्यादा सीट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं, लेकिन सुनने में आया है एंड बोल भी रहे हैं, एंड सीट्स जो है वो कुछ इंक्रीज हो गई हैं, कुछ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा सीट्स बढ़ी नहीं है। तो ये चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है लेकिन बढ़ी जरूर है, राइट। नेक्स्ट है डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज। ज्यादा डिफिकल्टी लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था, लेकिन थोड़े से का भी फर्क बहुत ज्यादा आता है। पता है, जो एवरेज बच्चा भी होता है, जो नॉर्मल बच्चा भी होता है, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर देता है, तो थोड़ा सा भी डिफिकल्टी का लेवल अगर कम हो जाता है तो एवरेज बच्चा भी उतने पे ही आ जाता है, एंड जो नॉर्मल, जो अच्छा बच्चा था, जो अच्छा कर रहा था, वो भी उतने पे ही आ जाता है, तो उनके बीच में जो होते हैं रैंक्स वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट इंक्रीज भी अगर नहीं हम लोग कहीं, ज्यादा बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, कि उतने ही मार्क्स के अंदर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है। मतलब 500 अगर आपके 90 आ रहे हैं तो 590 के ऊपर ही बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। सो ये फैक्टर हम लोग के पास होता है जिसकी वजह से कम जो कट ऑफ है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, AIQ एंड स्टेट। अब कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ये मैंने आपको फैक्टर्स यहाँ पे बताया यार कि इनकी वजह से किन किन फैक्टर्स की वजह से असर पड़ सकता है। अब क्या क्या असर पड़ सकता है, देखो AIQ की बात करती हूँ। मेरा जो कॉलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर है एंड मैं AIQ से गई हुई हूँ, ऑल इंडिया कोटा सीट के थ्रू। हमारे पास क्या होता है यार, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसके अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, सीट्स इस तरीके से डिवाइडेड होती हैं कि 15% जो सीट्स हैं वो किसके लिए होती हैं, वो होती हैं AIQ के लिए। AIQ का मतलब हो गया कि वो बच्चा ना तो उसने उस स्टेट से स्कूलिंग कर रखी थी, ना ही वहां का उसके पास डोमिसाइल है, मतलब वो वहां पे रहा नहीं हुआ है, तो वो बच्चा हम लोग के पास कौन सा होता है, AIQ वाला बच्चा होता है। दूसरा होता है स्टेट वाला बच्चा, जिसको 85% जो होती है कॉलेज की सीट्स उसके नाम पे होती है, और वो बच्चा वो क्या होता है हम लोगों के पास, उसी स्टेट से होता है, या तो उसी स्टेट का हो या फिर वहां से उसकी स्कूलिंग होनी चाहिए, 11th 12th, किसी स्टेट के अंदर 10th की भी होती है, राइट। सो वो हम लोगों के पास क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू गया हुआ बच्चा। किसी भी कॉलेज के अंदर आप लोग देखोगे तो AIQ के थ्रू गया हुआ जो बच्चा होता है उसके मार्क्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। सो AIQ की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में जो स्टेट के थ्रू बच्चे आए हुए हैं उनके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 540-530 ऐसे कुछ मार्क्स हैं, एंड मैं AIQ के थ्रू वहां पे गई हुई हूँ, मेरे वहां पर 590 मार्क्स थे। तो इतना फर्क जो होता है वो AIQ के अंदर और स्टेट की काउंसलिंग जो हम लोग के पास होती है उनके अंदर इतना फर्क आ जाता है, राइट। सो हमारे पास पिछले साल जो AIQ की कट ऑफ थी दैट वॉज 582, पिछले साल AIQ की 582 कट ऑफ थी। स्टेट्स की जो होती है वो कम जाती है, ठीक है, स्टेट्स की कम जाती है। जैसे कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर 576 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर
582 AIQ की कट ऑफ गई थी, 582 पर भी कुछ बच्चों को सिलेक्शन मिला और कुछ को सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले आपके बायो के मार्क्स देखे जाते हैं, इस तरीके से आपके रैंक्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। 590 मेरे मार्क्स थे, उसी के ऊपर कुछ बच्चों के ज्यादा मार्क्स थे एंड कुछ रैंक ज्यादा बेटर था एंड कुछ का कम था। तो ये चीजों के ऊपर काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, बायो के मार्क्स देन, केमिस्ट्री के मार्क्स देन, कितने नेगेटिव आपने कर रखे हैं, ये सभी फैक्टर सीक्वेंस में देखे जाते हैं और उसके हिसाब से आपके रैंक्स जो है वो बनाए जाते हैं, राइट। सो पिछले साल 582 गई थी यार, अगर मैं इस साल की बात करूं तो जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, जितना भी मैंने एस्टिमेशन लगाया है, वो है मेरे हिसाब से कि इस साल 600 के आसपास जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। 15-20 नंबर जो है मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे, तो 600 के आसपास, 4-5 नंबर कम हो सकता है, 4-5 नंबर ऊपर हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अब ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग कहें तो ओवरऑल जो कट ऑफ हम लोग के पास इस साल रह सकती है दैट वुड बी 600। AIQ की कट ऑफ की बात कर रही हूँ, अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिपेंड करता है, उनके अंदर कम ज्यादा हो सकती है, हम लोग AIQ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। AIQ से ही हम लोग सभी स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग को एक AIQ का एस्टिमेशन आ जाता है तो उससे पिछले साल रिलेट करो कि पिछले साल हमारी स्टेट की कट ऑफ में AIQ से इतना डिफरेंस था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको हरियाणा का बताया, हरियाणा में 576 यहाँ पे मैंने आपको बताया, 576 मैंने हरियाणा के आपको बताया एंड AIQ का 582 है, तो यहाँ पे कितने नंबर का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर का डिफरेंस हरियाणा के अंदर था। मतलब जो हरियाणा की कट ऑफ जाती है वो AIQ के अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। सेम चीज दिल्ली के अंदर देखी गई है, यूपी, राजस्थान, बिहार, ये स्टेट जो है इनकी अप्रोक्सीमेटली सेम कट ऑफ देखी जाती है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, असम, ये इस तरह की जो स्टेट होती है इनमें कट ऑफ काफी कम जाती है, उत्तराखंड एंड ऑल, इनमें कट ऑफ जो होती है वो AIQ से कंपेरेटिवली काफी ज्यादा कम हो, राइट। सो ये आपका मैंने एक आपको एस्टिमेशन दे दिया है यार कि किस किस चीज के ऊपर ये हम लोगों के पास यहाँ पर है। दूसरी बात, आपको पता भी है कि ये जो न्यूज आ रही है ये ऑथेंटिक न्यूज है कि नहीं है, मेरे पास शेयर हो रही है काफी ज्यादा कि काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिसमें 20-20 बच्चे ऐसे हैं जो 700 से ऊपर जिनके मार्क्स आ रहे हैं। तो अब की बार हाई स्कोर की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, जल्दी ही हम लोगों के पास रैंक्स आ जाएंगे। जैसे ही रैंक्स आएंगे उसके बाद तो हम लोग इजीली बता सकते हैं किसका सिलेक्शन होने वाला है, किसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, राइट। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करके फिर हम लोग को पता चल जाता है, फिर स्टेट टू स्टेट इजिली पता चल जाएगा रैंक्स आने के बाद। लेकिन अभी जब तक रैंक्स नहीं आते तब तक हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि इसका सिलेक्शन होगा या इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक सजेशन यहाँ पर दूंगी कि जिस भी बच्चे के 600 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं वो प्लीज AIQ की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। AIQ की काउंसलिंग को ना छोड़े ये सोचकर, अगर आप लोग कौन से स्टेट से हो, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, इन 5 स्टेट में से किसी भी स्टेट से हो और आपके 600 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो AIQ की काउंसलिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे यार। और जिन बच्चों के 570, 580 इतने के आसपास नंबर बन रहे हैं और ज्यादा हाई कट ऑफ जहां पे जाती है उन स्टेट से वो बिलोंग करते हैं तो वो काउंसलिंग ना छोड़ें। अपनी पढ़ाई अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके 570, 80 नंबर बन रहे हैं बट वो स्टेट जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, इस तरीके के स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, ड्रॉप उन्होंने दोबारा से कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि काउंसलिंग को किसी भी हाल में मत छोड़ना, बिकॉज जो मॉपअप राउंड होता है उसमें काफी कम नंबर के ऊपर भी सिलेक्शन जो होता है वो मिल जाता है। तो वो बच्चे काउंसलिंग जरूर अटेंड करें, काउंसलिंग का बहुत बच्चों को इस साल भी आइडिया आ जाएगा। अभी इतना ज्यादा आपके पास प्रेशर नहीं है, बीच में 1-2 दिन आप लोग काउंसलिंग में जाना, वहां पे जाना, वो सब चीजें अफोर्ड कर सकते हो यार, राइट। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना, ये मैंने आपको पूरा एक ओवरऑल यहां पर जितना भी एक्सपेक्टेशंस भी है, जितने मार्क्स हम लोग समझ सकते हैं, किसकी वजह से, क्या रीजंस की वजह से क्या है, वो सब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। एंड बाकी जितना भी होगा मेरे पास, जो मेरे पास कॉलेज की रैंकिंग वगैरह होगी, जितने भी मेरे पास है, मेरे पास काफी एक फाइल मेरे पास है, लास्ट ईयर मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो मेरे 590 मार्क्स बन रहे थे तो मैंने AIQ में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे पास टोटल लिस्ट है कि किस से एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना है, रैंकिंग ओवरऑल क्या है, तो उसके बेसिस पे मेरे पास लिस्ट है। तो वो लिस्ट मैं आप लोगों को जैसे ही आपके रैंक्स वगैरह आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको वो टेलीग्राम के ऊपर डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो जिस भी बच्चे को ऐसे इन चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करना है, जिसको भी उम्मीद है, तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है यार, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जितना भी मेरे पास जो भी न्यूज आएंगी, क्योंकि AIQ के काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया तो इससे रिलेटेड मुझे काफी कुछ चीजें पता है, राइट। तो जितना मुझे पता होगा वो यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो।